हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके गूगल प्ले स्टोर से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर से आप अपना कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब डाउनलोड या मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे को इस तरह का मैसेज मिल रहा है, कांट इंस्टॉल ऐप ड्यू टू एन एरर कोड भी आप देख सकते हैं 501। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद जस्ट मेरे स्टेप जो है फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोन सेटिंग्स में जाइए। फ़ोन सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद ऑल ऐप्स में जाइए। ऑल ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिए गूगल प्ले स्टोर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर। तो जस्ट उसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद सबसे पहले आप क्लियर कैचेस और क्लियर डाटा पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से बैक बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेम थिंग कीजिए, कैचेस और डाटा दोनों को क्लियर कीजिए। क्लियर होने के बाद जस्ट फिर से बैक बटन प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद फाइंड आउट कीजिए गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे भी आपको सेम थिंग करना होगा। यहाँ पे भी आप क्लियर डाटा और क्लियर कैचेस दोनों क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद फिर से बैक बटन प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जस्ट आप तो अपना फ़ोन जो है एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से आप अपने यूट्यूब आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके जो भी आपको एप्लीकेशन अपडेट करना है या डाउनलोड करना है करके देखिए हो रहा है या नहीं। अगर नहीं, फिर अगर आपको सेम एरर मिल रहा है, कांट इंस्टॉल ऐप एरर कोड 501, तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, सेटिंग में आइए, ऑल ऐप्स में आइए और गूगल प्ले स्टोर फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे फोर्थ स्टॉप पे क्लिक कीजिए। फोर्थ स्टॉप पे क्लिक करने के बाद अन इंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक कीजिए। अन इंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद अब तक के जितने भी आपके गूगल प्ले स्टोर के अपडेट्स है वो सारे टिल डेट तक सारे अन इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अन इंस्टॉल करने के बाद फिर से बैग आइए, बैक बटन प्रेस कीजिए और फिर से बैक बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपकी जो गूगल आईडी है, जो जीमेल आईडी है, आपने जो आपके प्ले स्टोर के लिए यूज़ किया है, तो जस्ट यहाँ से आप उसको रिमूव कीजिए। आपको कैसे रिमूव करना नहीं मालूम है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि जीमेल आईडी को आप अपने स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर के लिए कैसे रिमूव और ऐड करते हैं, तो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके आईडी जो है एक मरतबा रिमूव करके उसको फिर से ऐड कीजिए, लॉगिन कीजिए और फिर से आप अपना फ़ोन एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि फिर से आप अपना एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कीजिए। तो उसके बाद आपको जो एरर कोड मिल रहा था 501 आपके प्ले स्टोर में कांट इंस्टॉल ऐप, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको गूगल प्ले स्टोर का फिर से लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो ये प्लस पॉइंट में मैं बोनस पॉइंट में बता रहा हूँ, तो फिर से लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो कोई भी आपके ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए www.apkmirror.com। तो टाइप करने के बाद वो साइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद वहाँ से आप अपने गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यह बता रहा हूँ www.apkmirror.com, ये वेबसाइट ध्यान से देखिए और जस्ट इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर को लेटेस्ट वो जो वर्शन है आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास नेट काफ़ी स्लो आ रहा है तो आप यहाँ से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर, जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल प्ले स्टोर और वहाँ से आप अपने सारे वर्जन, आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेंगे। जस्ट वहाँ से आप उसकी सिर्फ APK फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स हैं आप अपने सारे डॉट्स कमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।